Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which has more than 23 years of experience, has given out more than 2200 selections in UPSC and various PCS examination since 1999. And To The Point is a series जहाँ पे हम लोग बात करते हैं current affairs की prelim point of view से कि किस type की statement based या direct factual based questions इन topic से आ सकते हैं. तो वैसे ही आज का जो हमारा topic है that is about climate reparation. Reparation होता है अगर आसान भाषा में कहें कि अगर आप किसी चीज़ का damage का भुगतान करते हैं कि आपने reparation कर दी है. सो देखते हैं इस topic के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से mechanism है और अभी इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी देखते हैं. And in case you want to cover current affairs holistically for prelims as well as for your mains examination, so a course is going on and which is available in both online and offline format for pre and mains. You get a 7-day free trial as well. Link is in the description. You can check it out. Moving on to today's topic. See, iska jo context hai. अभी वी ऑल नो दैट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज़ बीन स्टक विद फ्लडिंग एंड लार्ज स्केल डैमेज. नाउ पाकिस्तान इज पुशिंग फॉर दिस डिमांड कि यार हमें कंपनसेट करो क्योंकि इस क्लाइमेट की वजह से हुआ है जो कि तुम्हारी वजह से चेंज हुआ है. डेवलप्ड कंट्रीज को एक डिमांड गई है और ये कोई डिमांड पहली बार नहीं हुई है इस क्लाइमेट को लेके कि क्लाइमेट चेंज किसी और की वजह से हुआ लेकिन जो इफेक्ट है वो पुअर कंट्रीज के ऊपर ज्यादा होता है. तो ये उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है. तो पाकिस्तान की डिमांड से ले ये जो टॉपिक है इट अगेन रीइग्नाइट्स एंड वी हैव टू सी कि इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं. और अगर प्रीलिम में कुछ आता है तो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर अगर कुछ आएगा तो इन द सेंस कि कौन कौन से मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हम ये कर सकते हैं. सो लेट अस सी. So, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान इज विटनेसिंग द वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर इन इट्स हिस्ट्री. देयरफॉर इट हैज बिगन डिमांडिंग रेपरेशन. रेपरेशन मैंने आपको बता दिया. रेपरेशन इज की भुगतान कि ये जो नुकसान हुआ है कॉम्पनसेशन फॉर अ लॉस और डैमेज उसको रेपरेशन कहा जाता है. मूविंग ऑन. अब देखिए इशू क्या है यहां पे. द प्रिंसिपल बींग इन्वोक्ड आर फेयरली वेल एस्टेब्लिश. मैंने बताया कि कुछ नया नहीं है इसमें और पाकिस्तान अलोन नहीं है. मोस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज क्लाइमेट रेपरेशन की डिमांड करती हैं एंड बहुत सारे इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स इसके ऊपर बने भी हैं और कई बनते बनते रह भी गए हैं. कई शुरू हो गए लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है. इनफैक्ट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट UNFCCC पेरिस की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी COP एंड उसके अंदर भी $100 बिलियन मोबिलाइज करने की जो बात है उसमें कि फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू दी डेवलपिंग कंट्रीज पुअर कंट्रीज और तीन चार और मैकेनिज्म है उसमें सिमिलर टाइप के. उस डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम. क्लाइमेट रेपरेशन को थोड़ा सा और इसके वाई के सवाल जो है ना कि क्यों इसके पीछे फंडा क्या है कि क्या थ्योरी है इसके पीछे. डिमांड फॉर कंपोजिशन कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अभी क्या चीज है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल कि जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा. अभी रिसेंटली हमारे पास इंडिया में भी बहुत सारे इस टाइप की इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड चीजें होनी शुरू हो गई हैं. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स ऐसा कुछ है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी है कुछ कि जो प्रोड्यूस कर रहा है जिस भी चीज को तो वो उसकी पूरी रिसाइकल का जो एक साइकिल बनेगा वो पूरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो ये सेम प्रिंसिपल वहां पे भी आता है जिसमें हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बैटरी कोई कंपनी है बैटरी यूज करती है बैटरी मैन्युफैक्चर करती है तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस बैटरी को रिसाइकल वाले उसमें भी लेके आए. और जो नई बैटरीज बन रही है अभी रिसेंटली ये भी आया है और जो नई बैटरीज बन रही है उसके अंदर आपको रिसाइकल्ड मटेरियल का कुछ परसेंट जो यूज है वो करना है. तो सेम प्रिंसिपल वहां पे भी यूज होता है. नाउ दिस मेक्स द पोल्यूटर लायबल फॉर पेइंग नॉट जस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन बट ऑल्सो फॉर कंपनसेटिंग द विक्टम्स ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय देयर एक्शन. क्लाइमेट जस्टिस इज बेस्ड ऑन द नोशन of not being punished for someone else's bad behavior but it does not sanction additional bad behavior. See kitni achhi line hai yahan pe
कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे पाकिस्तान का क्लेम है यहाँ पे, इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा समझते हैं, जो पाकिस्तान का क्लेम है कि नॉन इंडस्ट्रियलाइज, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी तो पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर नेशंस देवर नॉन इंडस्ट्रियलाइज, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इतना एक्सेलरेटेड पेस पे हुआ. नाउ दीज कंट्रीज आर द वंस जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, है ना. अब पहली स्टेटमेंट का, पहले हाफ का तो मतलब ये हो गया कि पहले जो उनका बैड बिहेवियर था उसकी वजह से यहाँ पे जो अब नुकसान हो रहा है, तो वाई शुड दे पे, द वन जिन्होंने बैड बिहेवियर किया, दे शुड बी वन हु शुड बी पेइंग. पर यहाँ पे कोई ऐसा सैंक्शन नहीं है कि वो आगे ऐसा ना करें. अभी तक ऐसा कोई सैंक्शन किसी के ऊपर नहीं लगा है कि वो पॉल्यूशन कम करें. क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट अगर कोई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है. तो अभी तक हम कंपनसेशन पे ही हैं. तो मतलब अभी ये भी हम मेन गेम में थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो पीछे चल रहे हैं. तो जस्ट एक साइडलाइन पे, अब इसके ऊपर पॉल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक सवाल जो है प्रीलिम के अंदर बन सकता है, और वो थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं इस चीज़ को कि क्लाइमेट रेपरेशन और पॉल्यूटर स्प्रे का कुछ लिंक करके कोई स्टेटमेंट दे के जिसमें कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होंगे. बट हमें पता है कि पॉल्यूटर स्पे वाला जो प्रिंसिपल है वो यहां पे काम में आ रहा है. वही जो हम बात कर रहे थे अभी कि जो रिच कंट्रीज हैं जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेनली हुई थी, जिसके बाद में ये क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम हम परसीव करते हैं कि उसके बाद में बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड रेट पे हुई है. एंड डेटा शोज इज, मतलब परसीव नहीं करते हैं, डेटा शोज इट. मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन सिंस 1850 एंड जनरली कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज. अब देखो ये एक और डेटा पॉइंट आ रहा है, तो हालांकि ये टू द पॉइंट है, इसमें हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, पर फिर भी आप ये वाला डेटा पॉइंट को देख सकते हैं. मेन्स में इट कैन बी यूज. यूएस, यूरोपियन यूनियन, उसमें सारा इंक्लूडिंग यूके, अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द इमिशन ड्यूरिंग दिस टाइम. तो वर्ल्ड की आधी एमिशंस ये दो एजेंसीज ने करी है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो हब है वो यही था. दैट इज वाई द डिमांड पुशेस फॉर देम, एंड दैट इज वाई वी सी समटाइम्स सम रिस्ट्रेन, थोड़ा सा वो धक्का महसूस होता है कि वो मना करते हैं कि नहीं यार, वी कैन नॉट पे, वी शुड नॉट पे. और इंटरनल पॉलिटिक्स कंपनी की, कंट्रीज की इंटरनल पॉलिटिक्स, लोगों के एस्पिरेशन, दे आर देर समटाइम्स की वो थोड़ा टकराव में आ जाती है ये सब चीजें. तो एक डेटा पॉइंट है जो दिमाग में रखा जा सकता है. इफ रशिया, कैनेडा, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू आर इंक्लूडेड, द कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन गोज पास्ट 65%. मतलब लगभग 2/3. तो हैंडफुल ऑफ कंट्रीज, ये आपको डेटा पॉइंट देने का इस सीरीज में यही मेरा मकसद है, टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट, कि 2/3 जो पॉल्यूशन का जो है, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज, एंड दैट इज वाई द क्लाइमेट रेपरेशन जो हम जिस फंडे की बात कर रहे हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. चलते हैं आगे. अब देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में, अगर वो हैंडफुल ऑफ कंट्रीज पर रहा था, बाकियों का क्या है तो वो देख लेते हैं एक बार. अ कंट्री लाइक इंडिया, और जो ये थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है करंटली, पर हम 1850s के टाइम से देख रहे हैं तो उस केस में नहीं, करंटली की बात कर रहा हूं. थर्ड लार्जेस्ट एमिटर अकाउंट्स फॉर ओनली 3% ऑफ द हिस्टोरिकल एमिशंस, ऑफ द हिस्टोरिकल एमिशंस. अब देखिए, व्हेन एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस द नेशन ग्रोज, एंड व्हेन द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इट पॉल्यूट्स एज वेल. तो वो है, बिकॉज दोज आर द डेवलप्ड नेशन नाउ, बिकॉज उन्होंने पोल्यूशन क्रिएट कर दिया था, नाउ वी कैन नॉट हैव सच स्ट्रिंजेंट रूल्स कि कोई भी अब इसमें एमिशंस नहीं करेगा, तो इकोनॉमी विल कम टू एन हॉल्ट और डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग ही रह जाएंगी. सो ये स्टेटमेंट कुछ उस चीज को भी एक टेढ़े तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया इज करंटली द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, लेकिन हिस्टोरिकली 3% ही था, एंड चाइना विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एमिटर एट प्रेजेंट फॉर ओवर 15 years, टोटल 11% है चाइना का, कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 11% ऑफ टू द टोटल इमिशन सिंस 1850. राइट नाउ इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, और जो हमने पहले देखा था वो लगभग 65% का था उन 5-7 कंट्रीज का मिला के. एंड दिस इज द करंट डेटा विच इज गोइंग ऑन. फेवरेट सवाल रहते हैं ये, यूपीएससी इसके ऊपर बहुत खेलता है.
इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग कि क्यों, उसके बाद में बहुत सारे सवाल जो हैं वो आसान हो जाते हैं. वाइल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल, इट इज मच मोर सिवियर ऑन द पुअर नेशंस. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड वीकर कैपेसिटी टू कोप. दिस इज द फंडा बिहाइंड इट कि इन केस अ डिजास्टर कम्स सो दे आर अनेबल कि वो उससे कोप कर सके. तो ये एक फंडा है इस पूरी बात के पीछे. कंट्रीज दैट हैव हैड नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्टोरिकल एमिशंस एंड हैव सीवियर लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सिस आर द वंस दैट फेस द मोस्ट डेवेस्टेटिंग इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है. अब हम देखते हैं कि मेनली हमारे पास ना इन प्लेस दो मैकेनिज्म है क्लाइमेट रेपरेशन के लिए. तो इनके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि ये दो मैकेनिज्म कौन से हैं या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म फॉर क्लाइमेट रेपरेशन विच इज नॉट. तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा. मेन जो है वो दो हमें याद रखने. एक तो ये हम सब ने ऑलमोस्ट पढ़ा ही होता है विच इज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. 1994 में शुरू हुआ था और ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं इसमें बेसिकली कि कैसे फाइट करना है, क्या करना चाहिए, टारगेट्स कैसे होने चाहिए, कैसे क्या हमने बनाना है टारगेट और गोल्स कैसे सेट करने हैं. तो ये सब वो सिर्फ चीजें बताता है मैनिफेस्टेड वे में. इट एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेजेस द डिफरेंस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशंस. हर नेशन की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये क्लाइमेट रेपरेशन को एक बेस प्रोवाइड करता है. एक ये पर्टिकुलर कन्वेंशन कि सारी जितने भी नेशंस हैं दे आर नॉट इक्वली अ पार्ट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज और पुअरर नेशंस ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. तो ये इस चीज को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता है. अब ये एक डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है ये प्री में आपके मेंशन हो सकती है कि UNFCCC एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेजेस द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशंस टुवर्ड क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट रिच कंट्रीज मस्ट provide both the financial and the technology to the developing nations to help them tackle climate change. Simple enough. आगे चलते हैं. एक जो इसमें लाइन ये 100 बिलियन वाला ये सब आपने पढ़ा हुआ है. अगर नहीं पढ़ा तो environment जब भी आपका मॉड्यूल होगा probably अगर आप अभिमन्यु में पढ़ते हैं तो आपका क्लाइमेट मॉड्यूल जब भी यहाँ पे होगा environment मॉड्यूल उसमें you will catch it up. यहाँ पे जो मेन एक लाइन है वो ये वाली है कि 1994 की ये कन्वेंशन है उस समय क्लाइमेट डिजास्टर बट नॉट दैट रेगुलर. So, UNFCCC does not make a mention of loss and damage. Loss and damage as such का नहीं है, climate reparation के ऊपर है. तो वो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि explicitly नहीं है mention वहाँ पे. Differentiated responsibility है, लेकिन ये नहीं है. So, यहाँ पे एक सवाल बन सकता है टेढ़ा मेढ़ा घुमा के. अगर आपको concept समझ में आ रहा है तो ये वाली जो चीज़ है it will be a smooth ride for you. सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है. ये हमने मोस्टली ये देखा नहीं होता, ये पढ़ा नहीं होता है. वॉरशॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेजेस. ये कब हुआ? 2013 में हुआ. इस पर कुछ ज्यादा काम नहीं चल रहा है, ये रुक गया है. वॉज द फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड ऑफ द नीड टू कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रक बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स. द प्रोग्रेस है ना, ये थोड़ा मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी अभी थोड़ी रुकी हुई है. बस हमें यह देखना है कि वॉरशॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म किस लिए होता है, दैट इज फॉर क्लाइमेट रेपरेशन. ये हमने याद रखना है टू द पॉइंट के अंदर. ये दिस इज द क्वेश्चन जो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है. नो फंडिंग मैकेनिज्म और इवन अ प्रॉमिस टू प्रोवाइड फंड्स हैज कम अबाउट. तो ये थोड़ा धीरे चलता है. मैंने बताया कि जिसकी जेब से पैसा जाना होता है वो इतनी आसानी से नहीं निकालेगा, सिंपल सी बात है. तो वो भी ऑन अ क्लेम के ऊपर इतनी जल्दी पैसा नहीं आता है. एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स का. बहुत ईजी अभी फॉर नाउ इट इज अ Easy question. हमने क्या करना है? Correct statement. We have to read the statement correctly. Correct पूछा है वहां पे. In context of climate reparation, it is an extension of polluters pay principle. सही statement है, अभी हमने देखा था. Warsaw International Mechanism is an attempt of what? Climate reparation. Statement सही है. तो easy statement है. जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट किस हिसाब से जो है इसके ऊपर इस टाइप के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइज. आई होप कि आपको क्लाइमेट रेपरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, किसको करना है, क्यों करना है, वो सब समझ में आया. इसके बेस के ऊपर वी कैन मेक एंडलेस क्वेश्चंस. प्रीलिम्स के ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं,
ये जो दो तीन मैकेनिज्म, हमने दो मैकेनिज्म देखे थे, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. माय नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु आईएएस.